बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास सिक्स की जनरल साइंस का चैप्टर टू हम पढ़ रहे थे, लाइफ एंड लिविंग थिंग्स। उसका हम एक टॉपिक पढ़ चुके थे। आज का हमारा टॉपिक होगा सेल्स के बारे में। सेल्स क्या होते हैं, उनकी कितनी टाइप्स होती हैं और माइक्रोस्कोप क्या होता है, ये हम आज पढ़ेंगे। तो बच्चों, सेल्स, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। तमाम लिविंग थिंग्स बने हुए होते हैं एक या एक से ज़्यादा सेल्स के। इस डेफिनेशन के रू से सेल्स वो चीज़ है जो लिविंग थिंग्स को बनाते हैं। यानी किसी चीज़ को, जैसे एक मकान होता है, उसको बनाने के लिए ईंटें होती हैं, पलस्तर होता है, उसके खिड़कियां दरवाज़े होते हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर वो मकान बनाती हैं। तो लिविंग थिंग्स को सेल्स बनाते हैं। तो सेल्स यानी उनके लिए, उनको बनाने वाले ब्लॉक्स हैं एक तरह से। सम लिविंग थिंग्स सच एज बैक्टीरिया एग्जिस्ट एज ए सिंगल सेल। कुछ लिविंग थिंग्स जैसे कि बैक्टीरिया हैं, वो एक सेल के तौर पर जिंदा रहते हैं। यानी पूरा बैक्टीरिया खुद पूरा एक ही सेल होता है। दीज आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। मोस्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स हाउएवर आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स ज्वाइंट टुगेदर। ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स लाखों करोड़ों सेल्स के मिलने से बनते हैं। दीज आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। तो लिविंग थिंग्स कितने किस्म के हो गए, सेल्स के हिसाब से दो किस्म के, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब एक सेल अकेला जो होता है वो कैसा होता है। सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक। सेल्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं। दिस मीन्स दे आर वेरी टाइनी एंड कैन ओनली बी सीन बाई यूजिंग ए माइक्रोस्कोप। इसका मतलब है वो बहुत छोटे होते हैं। टाइनी मीन्स बहुत छोटे, और सिर्फ माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करके ही देखे जा सकते हैं। व्हेन यू लुक एट एन ऑब्जेक्ट थ्रू ए माइक्रोस्कोप, जब आप किसी चीज़ को माइक्रोस्कोप में से देखते हैं, द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लार्जर, तो वो चीज़ दिखाई देती है बड़ी। बिकॉज द माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइज व्हाट यू सी, क्योंकि माइक्रोस्कोप जो होता है वो मैग्नीफाई करता है, उसको बड़ा कर देता है जो आप देखते हो। यानी वो आपको बड़ा करके, असल साइज से बड़ा करके दिखाता है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड लाइट माइक्रोस्कोप। जो सबसे आम किस्म का माइक्रोस्कोप जो हम इस्तेमाल करते हैं लेबॉरेटरीज में, वो लाइट माइक्रोस्कोप कहलाता है। क्यों कहलाता है लाइट माइक्रोस्कोप, बिकॉज इट यूजेज लाइट टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये माइक्रोस्कोप रोशनी इस्तेमाल करता है उस चीज़ को इल्यूमिनेट यानी रोशन करने के लिए। जो चीज़ हम देखना चाहते हैं माइक्रोस्कोप में से, उसको वो इल्यूमिनेट रोशन करता है। द डायग्राम शोज ए टिपिकल लाइट माइक्रोस्कोप। यहाँ बच्चों एक डायग्राम है, इसमें एक लाइट माइक्रोस्कोप दिखाया गया है जो हम आमतौर पर लेबॉरेटरीज में यूज़ करते हैं। और इस टॉपिक का नाम है यूजिंग ए लाइट माइक्रोस्कोप, कि एक लाइट माइक्रोस्कोप को कैसे यूज़ किया जाए। तो आइए बच्चों हम पढ़ते हैं एक एक करके। फर्स्ट ही, द ऑब्जेक्ट इज पुट ऑन ए ग्लास माइक्रोस्कोप स्लाइड एंड यूजुअली कवर्ड विद ए कवर स्लिप। जो चीज़ आपने देखनी है उसको एक छोटी सी शीशे की बनी हुई डिश होती है, प्लेट होती है, माइक्रोस्कोप स्लाइड जिसको कहते हैं, उस पर उस चीज़ को रखा जाता है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक कवर रख दिया जाता है। इस कवर को हम कवर स्लिप कहते हैं। ये भी शीशे का बना हुआ होता है। फिर क्या किया जाता है, द स्लाइड इज प्लेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप। उस शीशे की प्लेट यानी स्लाइड को रखा जाता है माइक्रोस्कोप के स्टेज के ऊपर। ये है माइक्रोस्कोप का स्टेज, यहाँ रखा जाता है स्टेज के ऊपर। हेल्ड इन प्लेस विद दी स्टेज क्लिप्स, और उस चीज़ को अपनी जगह से ना हिलने देने के लिए उस स्लाइड के दाएं बाएं स्टेज क्लिप्स रख दी जाती हैं ताकि वो अपनी जगह से ना हिले। तीसरा काम हम क्या करेंगे, द होल इन द स्टेज अलाउज लाइट टू पास थ्रू फ्रॉम ए लाइट सोर्स बिलो। स्टेज में एक सुराख होता है नीचे, वो नीचे से रोशनी ऊपर गुजरने देता है। यानी उस सुराख की मदद से नीचे से रोशनी गुजर कर उस स्लाइड में से होती हुई ऊपर जाती है। फिर द डायफ्राम कैन बी एडजस्टेड टू अलाउ मोर और लेस लाइट टू पास थ्रू द होल। स्टेज के नीचे एक और हिस्सा है माइक्रोस्कोप का, उसका नाम है डायफ्राम। डायफ्राम उस स्टेज के सुराख को एडजस्ट करता है, यानी उसको छोटा या बड़ा करता है ताकि यहाँ से जितनी लाइट पास हो रही है उसको एडजस्ट किया जा सके। लाइट शाइन्स थ्रू द ऑब्जेक्ट एंड इन टू द ऑब्जेक्टिव लेंस। लाइट यहाँ से गुजर कर उस चीज़ में से गुजरती हुई जाती है और ऑब्जेक्टिव लेंस में से
ऑब्जेक्टिव लेंस, जो कि ये ऊपर वाला जो है ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं। इन ऑब्जेक्टिव लेंसेज में से लाइट पास होती है। लाइट पासिस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस थ्रू द आईपीस लेंस एंड इनटू आवर आईज। इस ऑब्जेक्टिव लेंस से लाइट पास होती है होकर, ये आईपीस लेंस है, यहाँ से होती हुई यहाँ ऊपर से हम देख रहे होते हैं, हमारी आंखों में दाखिल होती है लाइट। उसके बाद द फोकस नॉब्स एडजस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेज एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस टू क्रिएट अ क्लियर इमेज। ये फोकस नॉब्स हैं, ये दोनों, यानी इन दोनों को घुमाने से हम ऊपर वाले इस हिस्से को, आईपीस लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस दोनों, इन दोनों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, यानी स्टेज से इनका जो डिस्टेंस है कम या ज़्यादा हम इन फोकस नॉब्स की मदद से कर सकते हैं, ताकि ऑब्जेक्ट को हम ज़्यादा क्लियर करके देख सकें। तो ये इस तरह से एक लाइट माइक्रोस्कोप काम करता है। आइए अब इन लेंसेज के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ये आईपीस लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंसेज जो हैं ये कैसे होते हैं और ये क्या करते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप्स यूजुअली हैव मोर देन वन ऑब्जेक्टिव लेंसेज, यानी लाइट माइक्रोस्कोप में ये ऑब्जेक्टिव लेंस आमतौर पर एक से ज़्यादा होते हैं। ये जो नीचे वाले ये लेंस हैं ये एक से ज़्यादा होते हैं, यहाँ आपको तीन दिखाई दे रहे हैं, ये चार भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। दीज आर अरेंज्ड ऑन ए टरेट विच कैन बी रोटेटेड सो दैट यू कैन यूज लेंसेज विद डिफरेंट मैग्निफिकेशंस टू लुक एट द ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट लेंसेज जो होते हैं ये एक गोल सी एक डिस्क यहाँ लगी हुई है, इसके नीचे यहाँ ये लगे हुए हैं, इस डिस्क का नाम है टरेट। ये जिस लेंस को आपने यहाँ सीट पे लाना है उस टरेट को घुमाकर हम लाते हैं ताकि आप ऑब्जेक्ट लेंस की मदद से इमेज को देख सकें। 5 times, 10 times, 20 times and 40 times ऑब्जेक्टिव लेंसेज आर मोस्ट पॉपुलर। ये जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं इनकी डिफरेंट पावर्स होती हैं, ये 5 time पावर वाला, 10 time, 20 time और 40 time पावर वाले ऑब्जेक्टिव लेंसेज ज़्यादा पॉपुलर हैं, मशहूर हैं। द आई पीस लेंस इज़ यूजली 10 times, जबकि आई पीस लेंस जो होता है वो आमतौर पर 10 times वाला ही होता है। ऑब्जेक्टिव लेंसेज जो होते हैं ये मुख्तलिफ पावर्स के होते हैं। उसके बाद इफ़ द आई पीस मैग्नीफिकेशन इज़ 10, अगर आई पीस की मैग्नीफिकेशन 10 है एंड ऑब्जेक्टिव लेंस मैग्नीफिकेशन इज़ 20 और ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफिकेशन 20 है, द टोटल मैग्नीफिकेशन इज़ 10 × 20 इज इक्वल टू 200 times। तो टोटल मैग्नीफिकेशन बनती है 200 times, यानी 10 times आई पीस की और 20 time ऑब्जेक्टिव की, दोनों की मिलाकर मल्टीप्लाई होकर वो ऑब्जेक्ट हमें 200 गुना बड़ी दिखाई देती है। तो बच्चों इस तरह से हम एक लाइट माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं किसी चीज़ को देखने के लिए या एक सेल को देखने के लिए। नेक्स्ट बेटा अपनी वर्कबुक्स खोलें, पेज नंबर 11 वर्कबुक के एक्सरसाइज 7 है, एक डायग्राम दी गई है माइक्रोस्कोप की और उसमें ABCDE के नाम से बॉक्सेस आपको दिए गए हैं। उन बॉक्सेस में आपने माइक्रोस्कोप के पार्ट्स के नाम लिखने हैं जो कि यहाँ नीचे लिस्ट में दिए गए हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं, व्हाट आर पार्ट ए एंड बी फॉर, पार्ट ए और बी किस लिए होते हैं, आपने उनको आंसर करना है। पार्ट ए जो है यकीनन आईपीस लेंस है और पार्ट बी जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये किस लिए होते हैं, तो दे आर फॉर मैग्नीफाइंग द ऑब्जेक्ट। पार्ट ए और बी जो हैं वो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने के लिए होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पार्ट सी फॉर, पार्ट सी आप देख सकते हैं किस चीज़ का नाम है, वो स्टेज है यकीनन, इट इज़ टू होल्ड द स्लाइड, ये स्लाइड को पकड़ने के लिए होता है। व्हाट इज़ पार्ट डी फॉर, पार्ट डी किस लिए होता है, इट इज़ टू रिफ्लेक्ट द लाइट थ्रू द स्लाइड, पार्ट डी जो है वो मिरर है, ये स्लाइड के बीच में से रोशनी रिफ्लेक्ट करने के लिए होता है। पार्ट ई किस लिए है, आप पार्ट ई देख सकते हैं, वो फोकस नॉब है, ये किस लिए है, इट इज़ टू एडजस्ट द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड बी, यानी कि स्टेज और ऑब्जेक्टिव लेंस दोनों के दरमियान डिस्टेंस को फोकस करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द माइक्रोस्कोप इन द डायग्राम हैज़ ए 10 time आई पीस लेंस, डायग्राम वाले माइक्रोस्कोप का आई पीस लेंस 10 times है, व्हाट डज दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है, तो इट मीन्स द आई पीस हैज़ ए मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 10, तो इसका मतलब है कि आई पीस की मैग्नीफाइंग पावर है वो 10 है, यानी उसको बड़ा, उसकी जो बड़ा करके दिखाने की ताकत है वो 10 है। व्हाट विल बी द टोटल मैग्नीफिकेशन ऑफ दिस माइक्रोस्कोप इफ़ ए 10 time ऑब्जेक्टिव लेंस इज़ यूज्ड, इसकी टोटल मैग्नीफिकेशन कितनी होगी अगर 10 time ऑब्जेक्टिव लेंस इस्तेमाल होगा। तो आपको मालूम है बच्चों 10 time इसका आई पीस है और अगर ऑब्जेक्टिव 10 time वाला इस्तेमाल किया जाएगा तो बन जाएगी 10 time आई पीस एंड 10 time ऑब्जेक्टिव मीन्स 10 × 10 इज इक्वल टू 100। सो द टोटल मैग्नीफिकेशन ऑफ दिस माइक्रोस्कोप इज 100 times द रियल ऑब्जेक्ट, तो इसकी टोटल मैग्नीफिकेशन होगी 100 times असल ऑब्जेक्ट के मुकाबले में। तो ये है बच्चों आज का आपका लेसन, अल्लाह हाफिज़।